मैं ये पूछता हूं बिहार सरकार से भी और भारत के सरकार से भी, क्या आज तक शहीद जगदेव प्रसाद को शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला? शहीद जगदेव प्रसाद को शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है आपके सामने, आपको इसके लिए भी संघर्ष करना होगा। आज तक सरकारी फाइलों में शहीद जगदेव प्रसाद नहीं लिखा गया है, जगदेव प्रसाद को लिखा गया है, वो शहीद आज भी नहीं है और हमारे दिल में वो शहीद है, हमारे जुबान में वो शहीद है, लेकिन सरकारी फाइलों में वो शहीद नहीं है। और भारत रत्न देने की बात बहुत दूर है। आप लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि भारत में भारत रत्न इनको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए या नहीं बोलिए। सभी लोग संघर्ष करें ना। बाबा साहब जब भारत के आजादी के लड़ाई में अपनी भूमिका निभाते हुए भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी व्यवस्था की बात जब उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में किया तो कई लोगों का टोपी गिर गया। वो सोचे ये गोलमेज सम्मेलन में डेमोक्रेसी क्या बोल रहा है भाई, हम लोगों ने तो पूर्ण स्वराज की बात किया है, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। स्वराज की बात करने वाले बाल गंगाधर तिलक से लेकर के तमाम लोग थे और वो केवल स्वराज की बात कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, आजादी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमको डेमोक्रेसी भी चाहिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था, जो प्रजा के लिए प्रजा के द्वारा जो चुनी हुई सरकार हो वो व्यवस्था चाहिए हमारे यहाँ। मैं नमन करना चाहूंगा करुणा के सागर विश्व गुरु मानवता के संदेश वाहक तथागत गौतम बुद्ध। मैं नमन करना चाहूंगा अखंड भारत के पैरोकार, अखंड भारत के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार सम्राट अशोक, बृहद्रथ सहित तमाम मौज मस्ती शासकों को मेरे तरफ से कोटि कोटि नमन। नमन उन वीर शहीद को जिनके यादगार में आज 102 जयंती मनाई जा रही है। भारत लेलिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद के चरणों में कोटि कोटि नमन। भारत के संविधान निर्माता, बेजुबानों को जुबान देने वाले और गांधी को प्राण देने वाले, प्राण दान देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन। महिला, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और गुलाम भारत में महिलाओं के लिए पाठशाला खोलने वाली भारत की महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा राव फुले के चरणों में कोटि कोटि नमन। तमाम वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को कुछ ही शब्दों में समाप्त करना चाहूंगा। साथियों, आप सबों को अच्छी तरह से ज्ञात है कि आज जिस महामानव का जयंती मनाया जा रहा है, निश्चित तौर पर उस महामानव ने बिहार की धरती पर ही नहीं अपितु भारत के धरती पर उलगुलान करने का काम किया था। झारखंड ही नहीं, पूरे भारत में, पूरे बिहार सहित तमाम राज्यों में उलगुलान करने का काम किया था। उनकी आग, उनकी जो क्रांति की चिंगारी थी, बगल के राज्य उत्तर प्रदेश, एकीकृत बिहार और झारखंड सहित भारत के दूसरे राज्यों में भी ये चिंगारी पहुंच चुकी थी। क्योंकि आपको यह मालूम है कि जगदेव बाबू का लड़ाई अपना लड़ाई नहीं था, उनके जीवन काल में जो उन्होंने देखा, जो समझा और उसके बारे में जो सोचा, उसी को इस धरातल पर उन्होंने लागू करने का प्रयास किया। साथियों, किसी व्यक्ति के अंदर जो प्रतिभा होता है वो जन्मजात होता है, वो कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है, उसके अंदर जन्मजात परखने की ताकत होती है। जगदेव बाबू ने भी जब पढ़ने काल के दौरान, जब सामंती शक्तियां जब इस भारत में हावी था और सामंती सोच के तहत उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता था, तो उन्होंने प्रतिरोध किया था, विरोध किया था कि मैं ऐसी गुलामी को नहीं मानने वाला हूं। साथियों, आज बहुत से लोग एक से एक बातें रखते हैं, देखते हैं उनके सोच के विपरीत चलने वाले लोग भी जन्म जयंती के अवसर पर या शहादत दिवस के अवसर पर उनके गले में मोटे मोटे माला डालते हैं और यह साबित करने के लिए विचारधारा को मानने वाले हम ही हैं।
साथी उनके मुगाल के में आने की जरूरत नहीं है, समझने की आवश्यकता है कि उनके विचारधारा पर चलता कौन है। अब सवाल ये उठता है, अब असली और नकली का पहचान बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं। अभी देख रहे हैं भारत रत्न का एकदम पिटारा खुल गया भारत में, भारत रत्न का पिटारा खुल गया, उपेक्षितों को भारत रत्न दो। लेकिन उस कड़ी में आज मैं इस मंच के माध्यम से भी इस देश के जो संचालक हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि भारत रत्न सही जगदेव प्रसाद को भी दिया जाए, ये मैं मांग करता हूं। इसके लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन भी चलाएंगे ताकि ये आवाज उनकी कानों तक पहुंच सके। साथियों, आपको यह मालूम होगा कि भारत के अंदर ऐसी विकृति थी उस समय, तमाम तरह के विसंगतियां समाज में पसरा हुआ था, एक दूसरे से ऊंच और नीच, छुआछूत की भावना से लोग ग्रसित थे। बाबा साहब अपने जीवन काल में अपने कलम के बल पर उन्होंने उद्धृत किया भारत का संविधान बना करके कि भारत के लोगों को मैं ये संविधान दे रहा हूं कि ये भारत के लोग इस संविधान को पढ़कर के अपने संवैधानिक अधिकार को समझेंगे और उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ने का भरपूर प्रयास करेंगे। साथियों, उसके बाद बाबा साहब का कारवां थम गया, उस कारवां को आगे बढ़ाने का काम बाबू जगदेव ने शुरू किया। बाबू जगदेव जी का भी सपना था कि बाबा साहब का सपना ही जगदेव तुम्हारा नारा है, बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए जगदेव बाबू ने निरंतर प्रयास करना शुरू कर दिया। साथियों, उस समय संबंधित शक्तियां सर चढ़ के बोलता था भारत में संबंधित शक्तियों के सामने ये जो मनुवादी लोग थे वो लोग संबंधित शक्तियों का प्रयोग करके भारत पर अनवरत, जो हमारे गुलाम जिनको कहा जाता था, दलित जिनको कहा जाता था, पिछड़ा जिनको कहा जाता था, उनके लिए वो नए कारनामे करते थे और उनको नीचा दिखाने का भरसक प्रयास करते थे। और उस कड़ी में बाबू जगदेव प्रसाद जो छूते नहीं रहे, उनको भी कई बार समन को नीचा दिखाने का कोशिश किया। साथियों, अपने पढ़ने काल में ही, अपने पढ़ाई के दौरान ही उनको लगा कि यहाँ पर जो यहाँ के समंती लोग हैं वहां पर एक प्रथा थी जिसको पचकठिया प्रथा बोलते हैं, पांच कट्ठा हर गृहस्थ को, हर किसान को ये देना रहता था, और जो वहां के जो समंत थे, वहां के जो शोषक थे, उनके हाथी को चरने के लिए पांच कट्ठा दिया जाता था और वो लोग हाथी को खुला छोड़ करके चरवाते थे। जगदेव प्रसाद ने अपने साथियों को इकट्ठा करके और अपने गांव से हाथियों को भगा करके पहला उलगुरान वहीं शुरू किया था, अपने गांव से ही प्रारंभ किया कि अब ये पचकठिया प्रथा को समाप्त कर देना होगा। जगदेव बाबू ने अपने अध्ययन काल में कई तरह के जब प्रवृत्ति देखा, समंती प्रवृत्ति, तो उनको लगा कि इसका विरोध होना चाहिए। जगदेव प्रसाद की अगर जीवनी को रखा जाए तो काफी समय लगेगा, लेकिन संक्षिप्त में ही उनकी की हुई बातों को मैं आपको इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जगदेव बाबू को जब पढ़ने का मौका मिला तो उन्होंने जी भर कर पढ़ा, खूब पढ़ा और पढ़ करके लोगों को ये बताने का काम किया कि शिक्षा एक शेरणी है और इस शेरणी का दूध जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बाबा साहब ने भी ये बात को कहा था, एजुकेशन इज बैकबोन एंड की ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, शिक्षा मानव विकास का रीढ़ पूंजी है। और इस बात को सही जगदेव प्रसाद ने भी आत्मसात किया कि शिक्षा के बिना संपूर्ण मानव की कल्पना नहीं की जा सकती। जब जगदेव बाबू पढ़ रहे थे उसी दरमियान उनके पिता का देहांत हो गया, अपने संबोधन में जन्मेजय कुमार जी ने सारी बातों को रखा है, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ शब्दों को जोड़कर मैं आगे जरूर बढ़ाना चाहता हूँ कि जब जगदेव बाबू पढ़ते थे उस समय उनको कई समस्याओं से जूझना पड़ा। अब आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, उनके पिताजी प्रयाग महतो पेशे से शिक्षक थे और सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर का नौकरी करते थे। उस समय टीचरों का आमदनी कितना था तो 15 और 14 रुपया वेतन मिलता था, उस 14-15 रुपये से पूरे परिवार का खर्च चलाना और पढ़ाई लिखाई का भी खर्च चलाना ये बड़ा मुश्किल काम था। और इसी दरमियान उनके पिताजी गुजर गए। जब उनके पिताजी गुजर गए तो उनको लगा कि भारत के अंदर जो ये मनुवादी व्यवस्था है, उनके मनुवादी व्यवस्था के तहत हमारे पिताजी को देवी देवताओं को मनाने के बाद भी ये संसार छोड़कर जाना पड़ा, तो निश्चित तौर पर देवी देवताओं के अंदर कोई ताकत नहीं है। तो अपने माँ से उन्होंने कहा कि माताजी, आप जिस देवी देवता का पूजा करते करते और वो देवी देवताओं ने हमारे पिताजी को बचाने का प्रयास नहीं किया, इसलिए आज से इस घर में ये अंधविश्वास नहीं चलेगा और अपने घर के तमाम देवी देवताओं को निकाल करके बाहर फेंकने का काम किए। ये दूसरी लड़ाई थी। जब वो पढ़ लिख करके उनको लगा कि अब नौकरी करना चाहिए तो प्रोफेसर का नौकरी का उन्होंने
फिर पत्रकारिता क्या उन्होंने अब लगा कि पत्रकारिता से काम नहीं चलने वाला है, अपने पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को मैं ज्यादा नहीं जगा पाऊंगा। तब उन्होंने ये पॉलिटिकल पावर मास्टर की को हाथ में लेने का प्रयास शुरू किया। बाबा साहब ने कहा था बनकर टेम्पल इन पार्लियामेंट, कब्जा करो उस मंदिर पर जिस मंदिर से कानून बनते हैं और जिस मंदिर में सारी शक्तियां निहित है, उस मंदिर पर कब्जा करने की आवश्यकता है। तब उन्होंने कोशिश किया जब राजनीति में भी हिस्सेदारी निभाना चाहिए, तो बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए जब देव प्रसाद ने राजनीति में हिस्सेदारी निभाना शुरू किया और जब राजनीति को में वो आए तब उन्होंने विधानसभा से चुनाव लड़ करके और विजय प्राप्त किया। विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ पे जो सरकार बनी वो संबित की सरकार थी, संबित की सरकार थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी संबित की सरकार। और उसमें जगदेव प्रसाद जो है लोहिया जी के नारों से प्रभावित होकर के लोहिया जी के साथ चलने का संकल्प लिया था। लोहिया जी ने नारा दिया था कि सौ में पिछड़ा पावे साथ, लोहिया ने बांधी गांठ सौ में पिछड़ा पावे साथ, ये नारा था। तो लगा जगदेव बाबू को जो उपेक्षित वर्ग है पिछड़ा वर्ग, इसको हक देने की बात लोहिया जी ने किया है तो इसके साथ चलने की आवश्यकता है। लेकिन ये केवल एक जुमला था, ये केवल एक जुमला था। जब जैसे ही सत्ता में आसीन हुए, तमाम जो ऊंचे पद पर मंत्री पद पर बैठाए जाना था तो वैसे सामंती व्यवस्था के लोगों को, मनुवादी व्यवस्था के लोगों को बैठाना शुरू कर दिया, जो कभी भी समाज को भला नहीं सोच सकते थे। तो ये बात जगदेव बाबू ने लोहिया जी से कहा कि आपका जो नारा था कि लोहिया ने बांधे गांठ सौ में पिछड़ा पावे साठ, वो सौ में पिछड़ा साठ का हिस्सेदारी जो मिलना था वो गया कहां। अब ये सवाल लाजमी हो जाता है या पूछना जरूरी हो जाता है कि पिछड़े को 60% आपने आरक्षण देने की बात किया था तो 60% आरक्षण कहां गया। मुश्किल से 15 या 20% जो पिछड़े समाज के लोग मंत्रिमंडल में रखा गया था, 15% से कुछ ज्यादा था, 20% से कम था, इतने प्रतिशत में मंत्रिमंडल में रखा गया। बोले कि 60% हिस्सेदारी हमको मंत्रिमंडल में चाहिए, इससे कम पर गुंजाइश नहीं है। 60% हम मंत्री जो है पिछड़े का वहां बनेंगे तभी आपकी सरकार को हम चलने देंगे। अब लोहिया के सामने भी संकट खड़ा हो गया कि जगदेव प्रसाद आज गुलाम कर रहा है, आज संघर्ष का बिगुल ठोक रहा है कि जब तक पिछड़ों को 100 में 60 हम अधिकार नहीं देंगे हम सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। जगदेव प्रसाद ने सरकार गिराने का काम किया, उस समय उनके पास बैलेंस ऑफ पावर था। आपको मालूम है कि बाबा साहब कहते थे कि सत्ता पर कब्जा करना होगा तभी भारत का संविधान सही साबित हो सकता है। जो इनके लिए संविधान भारत को लिखा गया है, ये सत्ता पर कब्जा करना होगा। तो माननीय कांशीराम जी ने उनको आगे बढ़ाते हुए कहा कि आप सत्ता पर अगर आसीन नहीं हो सकते हो, कुर्सी पर अगर बैठ नहीं सकते हो, तो कम से कम कुर्सी के हिलाने लगता है आपके पास होना चाहिए। ये माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि अगर कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हो, बैठने का ताकत अगर आपके अंदर नहीं है तो कुर्सी के हिलाने की ताकत आपके अंदर होना चाहिए। कुर्सी की हिलाने की ताकत मतलब ये कुर्सी को ऐसे हिलाना नहीं, वो सत्ता रूपी जो कुर्सी है आप बैलेंस ऑफ पावर बनो। अब जब बैलेंस ऑफ पावर आप बनोगे तब आपको आपकी बात को सुना जाएगा। तो कुर्सी की हिलाने की ताकत उस समय जगदेव प्रसाद के अंदर पैदा हो गया था। अपने 30 या 32 विधायकों को लेकर के सरकार को गिरा दिया और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी। और उस समय 3 दिन के लिए सतीश प्रसाद इस बिहार के मुख्यमंत्री बने। और सतीश प्रसाद जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो किन कारणों से जगदेव प्रसाद को फिर सरकार को गिरा दिया। और फिर जब सरकार गिरा तब जो है कांग्रेस के समर्थन से पुनः सरकार बनी और उस सरकार में वो नदी घाटी और ऊर्जा मंत्री बने। नदी घाटी ऊर्जा मंत्री के बनने के बाद वो बिहार के अंदर जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं थी उस पर काम करना शुरू कर दिया, ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम करना शुरू कर दिया। सत्ता का पावर उनके उनको जब प्राप्त हुआ तो किसानों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, मजलूमों के लिए काम किया साथियों। और जब और उनको लगा कि ये सरकार जो है ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, लेकिन जितने दिन सरकार चली उतने दिनों में अपने लिए अपने समाज के लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। साथियों जगदेव प्रसाद की संक्षिप्त जीवनी मैंने रखना आपके सामने मुनासिब समझा, लेकिन आपको मालूम है कि जगदेव प्रसाद जी एक अद्भुत और एक निराले विचार के व्यक्ति थे। उस समय जब इनको मालूम हुआ कि जब वो सत्ता से हट गए, चुनाव हार गए,
तो पूरे बिहार में गांव-गांव प्रखंड प्रखंड में घूम करके लोगों को जगाना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि जब तक अपनी लड़ाई को आप मुखर होकर के लड़ोगे नहीं, तब तक ये लड़ाई जो है मुकाम तक नहीं पहुंचने वाला है। उन्होंने ये लड़ाई मुखर होकर लड़ना शुरू कर दिया। लोग बताते हैं वो हमारे यहाँ हरिहरगंज में भी आए थे, हुसैनाबाद में भी आए थे। उस समय हम लोग का जन्म कर्म नहीं हुआ था, लेकिन मालूम होता है कि हरिहरगंज में भी जब आए थे तो इतने ओजस्वी भाषण दिए कि तमाम लोग जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जो दलित वर्ग के लोग थे, उन लोगों ने सोचा कि जगदेव प्रसाद के अंदर एक ताकत है, एक शक्ति है और इसको समर्थन करना चाहिए। यह बात जगदेव प्रसाद को भी मालूम था कि कुर्था के प्रखंड कार्यालय पर जो हमारा धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें बड़े सुनियोजित तरीके से हत्या करने का प्रयास होगा। और यह बात मालूम होते हुए भी जगदेव प्रसाद ने उस आंदोलन का हिस्सा बना और अंतर्गतवा और जगदेव प्रसाद को गोलियों का निशाना बनाया गया। और उनके साथ साथ एक छात्र नेता जो लक्ष्मण चौधरी, जिसको हम लोग स्मरण नहीं करते, उनका भी बड़ा योगदान था। छात्र नेता लक्ष्मण चौधरी ने भी जो है वो शहादत देने का काम किया। पहला गोली लक्ष्मण चौधरी को लगता है, दूसरा गोली जगदेव प्रसाद को लगता है। और जब जगदेव प्रसाद की गोली लगता है तो मरे नहीं थे वो जगदेव प्रसाद, वो मरे नहीं, उनको बांध करके घिसक करके ले जाने लगा। और जब ले जाने लगा तो जब वो पानी मांगे तो पानी की जगह पर गलत चीज उनको दिया गया। ऐसे यात्रा देकर के जगदेव प्रसाद का हत्या किया गया है। साथियों, अगर उनके विचार को मानने वाले लोग हैं तो उनको भी ये बनता है जगदेव प्रसाद के हत्या का प्रतिकार होना चाहिए, उनका विरोध होना चाहिए। आज बिहार और झारखंड की सरकार या भारत की सरकार तमाम उपेक्षित वर्गो को भारत रत्न देकर के सम्मानित करने का काम कर रही है, लेकिन मैं ये पूछता हूँ बिहार सरकार से भी और भारत की सरकार से भी, क्या आज तक शहीद जगदेव प्रसाद को शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला? शहीद जगदेव प्रसाद को शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला? यह बड़ा यक्ष प्रश्न है आपके सामने। आपको इसके लिए ही संघर्ष करना होगा। केवल हम मंच पर लंबा चौड़ा वक्तव्य दे दे और लंबी चौड़ी बातें अपने मुखारविंद से रख दे तो आपको लगेगा कि बड़े अच्छे वक्ता हैं और हम इनकी बातों को सुनकर विभूत हुए हैं, लेकिन साथियों उतना से काम नहीं चलने वाला है। यह संघर्ष अभी बहुत बाकी है, ये संघर्ष अभी बहुत बाकी है। अभी हमको हर अधिकारी की लड़ाई के साथ साथ अपने पूर्वजों को सम्मान भी दिलाना है, जो शहादत की हार तक शहीद का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है। आज तक सरकारी फाइलों में शहीद जगदेव प्रसाद नहीं लिखा गया है, जगदेव प्रसाद को लिखा गया है, वो शहीद आज भी नहीं है। और हमारे दिल में वो शहीद है, हमारे जुबान में वो शहीद है, लेकिन सरकारी फाइलों में वो शहीद नहीं है। और भारत रत्न देने की बात बहुत दूर है। आप लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि भारत में भारत रत्न इनको मिलना चाहिए ये नहीं, बोलिए सभी लोग संघर्ष करें ना। पार्टी लाइन से अलग हटके कोई राजनीतिक बात नहीं हो रहा। बहुत लोग जब लोग मंच पर आते हैं तो बोलते हैं कि देखिए भाई सामाजिक मंच से कोई राजनीतिक बात नहीं करिएगा, लेकिन वो समाज के लोग तो बैठे हैं ही मंच पर, लेकिन ज्यादा राजनीतिक लोग होते हैं, उनके चीफ गेस्ट भी वही होते हैं, विशिष्ट अतिथि भी राजनीति के आदमी होते हैं। कोई साधु संत को आज तक आप लोगों ने नहीं बनाया कोई चीफ गेस्ट नहीं बनाते हैं। तो आप लोग को भी कहना चाहिए कि आप अपने मंच से जितनी भी राजनीतिक बातें कर सकते हो आप राजनीतिक बातें करें। यहाँ बांसुरी नहीं बजाना है, झाल बजाना है, क्यों डॉक्टर साहब? बातें तो राजनीतिक ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग राजनीति में बहुत ही कमजोर है। राजनीतिक विषय स्कूल में पढ़ाया जाता है थ्योरी के रूप में, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं दिया जाता है। हम चाहते हैं कि मंच के माध्यम से जहां भी मंच लगे हमारे लोगों को राजनीतिक प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि नहीं? बड़े लोग तो मंचों पर चढ़ते हैं, पर हम रैदास जयंती में अनुमंडल मैदान में थे तो जो संचालन कर रहे थे तो वहां कई विचारधारा के लोग थे, हमको भी बोलने का मौका मिला, लेकिन पहले ही रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि देखिए ये सोशल मंच है, सामाजिक मंच है, कोई राजनीतिक बात नहीं करिएगा। हम बोले कि एक भी महात्मा, एक भी महापुरुष, एक भी राजनेता ऐसा कोई है जो राजनीतिक बात नहीं करता हो? अभी बाबा तुलसीदास भी राजनीतिक बात करते थे, पढ़िए रामायण है कि नहीं? बाबा तुलसीदास तो संत थे, लेकिन उनको राजनीतिक करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, वो राजनीतिक बात करने लगे। अब उतना छोड़ दीजिए, यह महंत जोगी दास भी राजनीतिक बात करते हैं कि नहीं? जोगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वही राजनीतिक बात करते हैं कलाम जी, उनको तो नहीं करना चाहिए, साधु आदमी थे, त्याग तपस्या करना चाहिए, लेकिन करते हैं। बहुत से साधु महात्मा वो बाण प्रस्त नहीं जाते, जंगलों में जाकर के साधना नहीं करते,
वो सब भगवा टेंपल दिल्ली पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं कि नहीं डॉक्टर साहब? और जिस दिन से लोग भगवा पहन पहन कर दिल्ली पहुंचना शुरू कर दिया, आप समझ लीजिए उसी दिन से बाबा साहब के संविधान पर प्रहार शुरू हो गया। हुआ कि नहीं? अभी देखेंगे पिछले दिन जुडिशियल में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, वहाँ आज भी कोलिजियम सिस्टम है। बाबा साहब ने आरक्षण का व्यवस्था तो कर दिया, सभी जगह पर आरक्षण मिलता है, शिक्षा में भी मिलता है, राजनीति में ही मिलता है, नौकरी में भी मिलता है, प्रमोशन में ही मिलता है ना। लेकिन जुडिशियल में आरक्षण हमको नहीं मिलता, वहाँ कोलिजियम सिस्टम है, जज का बेटा ही जज बनेगा। बाबा साहब अकेले बेचारे कितना लड़ते, एक बाबा साहब लड़ रहे थे, चारों तरफ से उन पर लेग पुलिंग किया जा रहा था, पैर पकड़ कर खींच रहे थे, पिछड़े के नेता अलग खींच रहे थे, अगड़े के नेता अलग खींच रहे थे, और मंझले नेता भी अलग खींच रहे थे। मैं उनकी बात कह रहा हूँ कि बाबा साहब जब भारत के आज़ादी के लड़ाई में अपनी भूमिका निभाते हुए भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी व्यवस्था के बाद जब उन्होंने गोल मेज सम्मेलन में किया तो कई लोगों का टोपी गिर गया। वो सोचे ये गोल मेज सम्मेलन में डेमोक्रेसी क्या बोल रहा है भाई, हम लोगों ने तो पूर्ण स्वराज की बात किया है, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। स्वराज की बात करने वाले बाल गंगाधर तिलक से लेकर के तमाम लोग थे, और वो केवल स्वराज की बात कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, आजादी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमको डेमोक्रेसी भी चाहिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था, जो प्रजा के लिए प्रजा के द्वारा जो चुनी हुई सरकार हो वो व्यवस्था चाहिए, हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भारत के अंदर वो व्यवस्था को लागू होना चाहिए। तो भारत में गुलामों के गुलाम लोग थे, भारत के अंदर गुलामों के गुलाम थे, जिनको परम सूत्र कहा जाता था, अति सूत्र कहा जाता था, आज देखते हैं ना दलित और महादलित बन गए, दलित और महादलित। उस समय भी शूद्र के अंदर भी शूद्र थे, जैसे शूद्र एक हम भी हैं, जो ओबीसी के लोग हैं वो भी शूद्र, उनके उनको कहीं अगड़े में नहीं रखा गया, वो भी शूद्र है, लेकिन वो अपने आप को शूद्र मानते नहीं है। वो शूद्र किसको मानते हैं, जो अस्पृश्य है, अनटचेबल जो है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, चमार बैठ जा सकते हैं, उठो पासवान बैठ जा बोले उठो, दूसरा जा बैठ जा बोलेगा उठो। उनके अंदर भी सीढ़ीनुमा समाज बना करके ये व्यवस्थित कर दिया गया है कि तुम ऊपरे हो, वो तुमसे नीचे है, वो तुमसे नीचे है, वो तुमसे नीचे है। लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखते वक्त सबको समान बना दिया, समतामूलक समाज की कल्पना बाबा साहब ने संविधान से ही शुरू कर दिया था। बाबा साहब के पहले इस भारत के अंदर गुलाम पैदा होते थे, बाबा साहब के पहले संविधान लिखने के पहले इस भारत के अंदर अछूत पैदा होते थे, लेकिन बाबा साहब ने सबको समान करके और एक संविधान में सबको बराबर का अधिकार दे दिया। बाबा साहब ने वन मैन वन वोट वन वैल्यू का अधिकार दिया है, एक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार है, उसका कीमत बराबर है, चाहे वो वोट राष्ट्रपति का हो, चाहे वो वोट बैंक का हो, सबका वैल्यू बराबर है। बाबा साहब जब संविधान लिख रहे थे उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि भारत के अंदर माँ के गर्भ से जो पैदा होता था बेटा या बेटी, तो वो शूद्र पैदा होता था, जो गर्भ से पैदा होता था वो राक्षस पैदा होता था, राण रयान पैदा होता था, नीच पैदा होता था, उस समय ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन हमारे बाबा साहब जब लिखने का मौका मिला तो उस व्यवस्था को उन्होंने बराबर करने का काम किया है। इसलिए बाबा साहब के बारे में वो एक पंक्ति मुझे याद आ रहा है, माँ ने पैदा किया आदमी जानकर, हर माँ पैदा करती अपने बच्चों को इंसान है, माँ ने पैदा किया आदमी जानकर, लिखने वालों ने खुद से जानवर लिख दिया, लिखने वालों ने खुद से जानवर लिख दिया, लेकिन धन्य है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जब उठ गई उनकी कलम तो जानवर की जगह आदमी लिख दिया, जानवर की जगह आदमी लिख दिया। साथियों मैं बाबा साहब को नमन करते हुए, क्योंकि बाबा साहब ने हम लोगों को बोलने का अधिकार दिया है, मुझे असेंबली तक जाने का मौका अगर मिला है तो बाबा साहब का देन है, और ये पिछड़े वर्ग के लोग बड़े मुगालते में रहते हैं कि बाबा साहब ने क्या दिया है। लेकिन साथियों बाबा साहब ने जो दिया है वो ये दिया है कि बाबा साहब ने भारत का संविधान लेकर के आर्टिकल 340 दिया, 340 दिया है, उसमें समय समय पर आयोग बना करके पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण की व्यवस्था किया जाए। लेकिन ये समाज को जो चलाने वाले लोग हैं, देश को जो चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो जिनकी भी सरकार रही हो, मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब भारत का संविधान बना था सबसे पहले भारत में जो आयोग बना था उस आयोग का नाम था जो पिछड़े वर्ग को
कांटा कलेक्ट कर आयोग, उस आयोग का जो है रिपोर्ट भी खंजर बस्ते में डाल करके पूरे नेहरू सरकार ने उसको दफन करने का काम किया है, उसको लागू नहीं किया गया। उसके बाद जो है मुरारजी देसाई के समय में बीपी मंडल के अध्यक्षता में कमीशन बना, वो कमीशन का रिपोर्ट जब आया तो मुरारजी देसाई की सरकार भी चली गई, उसके बाद जो है वो भी खंजर बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन जब 1990 में बीपी सिंह की सरकार बनी और उसमें हमारे 3 सांसद बहुजन समाज पार्टी के भी थे, विधायक थे, उसमें पहली बार 3 सांसद विधानसभा लोकसभा में जीत के गए थे, तो माननीय कांशीराम जी ने वोट क्लब पर 40 दिन तक माननीय कांशीराम जी ने वोट क्लब पर एक धरना देकर के और कहा था कि जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो वरना आरक्षण लागू करो, ये नारा दिया था माननीय कांशीराम साहब ने और 40 दिन तक बीपी सरकार को हिलाने का काम किया था। तब बीपी सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की और हम पिछड़ों को 27% आरक्षण मिला है, ये 27% आरक्षण बहुत कम है और झारखंड में तो 14% है। ये लड़ाई को तो लड़ना चाहिए, हमारे अंदर बोध नहीं होता है। ये 14% आरक्षण पूरे भारत के पैमाने पर 27% आरक्षण लागू किया गया, लेकिन झारखंड एक अद्भुत राज्य है जहाँ पिछड़ों को 14% आरक्षण मिलता है। इस आरक्षण पर लड़ाई होना चाहिए था। मैंने विधानसभा में लगातार 5 दिनों तक आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाया था और विधानसभा को विश्वास किया था, चलने नहीं किया था विधानसभा को कि जब तक 27% आरक्षण की घोषणा सदन में नहीं किया जाता है तब तक ये विधानसभा नहीं चलेगा। हम हंगर स्ट्राइक कर दिए थे, भूख हड़ताल पर थे, हमको उठा करके भेज दिया गया रिम्स में वहाँ इलाज कराने के लिए। डॉक्टर बोले तो स्वस्थ, इनको कोई दिक्कत नहीं है, फिर इनका इलाज कैसे करें, फिर हमको वहाँ से रिलीज कर दिया, फिर विधानसभा में आकर के हमने बैठा और विधानसभा में लगातार हम लड़ाई को लड़े हैं। आपको मालूम होगा कि विधायक काल में ही 1 साल पहले मैंने विधायक से रिजाइन दे दिया था कि जब तक हमारे पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण नहीं दिया जाता है, जपला सीमेंट फैक्ट्री के स्थापित करके या उसके जगह पर दूसरा उद्योग स्थापित नहीं किया जाता है और जपला को जिला नहीं बनाया जाता है तब तक मुझे सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है और मैंने रिजाइन दिया था। मेरा रिजर्वेशन एक्सेप्ट नहीं हो पाया क्योंकि सच के अनुसार मैंने दिया था, लेकिन मैंने रिजाइन देने का काम किया। कहाँ है आज हमारे जनप्रतिनिधि, सब तो ऑनलाइन हो गए, ऑफलाइन है जी राजेश जी, हमारे जनप्रतिनिधि ऑफलाइन नहीं है, सब ऑनलाइन है, शिलान्यास भी ऑनलाइन, उद्घाटन भी ऑनलाइन, आपका समस्या भी ऑनलाइन, सब ऑनलाइन है। हाँ डिजिटल है हमारे, हम लोग तो डिजिटल नहीं थे, हम लोग मैनुअल थे, अभी डिजिटल है हमारे यहाँ जो प्रतिनिधि है वो डिजिटल प्रतिनिधि है। अभी वार पर वार होगा, समस्या आ रही है बहुत सा और इतना दर्द पैदा हो गया कि चौक चौरा है जहाँ भी हो, मेरा इतिहास संघर्ष को नहीं देखा कि संघर्ष कर रहा है विधानसभा में, सबको पर्सनल लाभ चाहिए था, व्यक्तिगत लाभ, और देखते ना सब घर में लाभ जब तक नहीं पहुंचे लोग नाराज हो जाते, अपनी अस्मिता की लड़ाई को नहीं भांपते। अभी डॉक्टर साहब जब हम असेंबली के मेंबर थे तो हमारे सामने बैठे हुए हैं आदरणीय शिक्षक रामेश्वर मेहता जी, उनके साथ हैं लक्ष्मण मेहता जी, ये प्रधानाध्यापक थे मध्य विद्यालय हुसैनाबाद में, मेरा कार्यक्रम ही उन्होंने कराया, कार्यक्रम में हम आए, पहली बार हम विधायक बने थे, यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी थे उदयकांत पाठक, पाठक जी हमको विधायक नहीं समझे, उठवे नहीं के पूर्ति से, तो हम बोले कि कौन है आप जी, बोले हम को नहीं पहचाने, हम अनुमंडल पदाधिकारी हैं, बोले कि आपको कमर में दर्द है या हमको नीचा जाके समझ के नहीं उठ रहे हैं, कारण क्या है, तो बोले कि नहीं ऐसे नहीं है कोई बात, सामने है, बोले आप जब तक मेरा कार्यक्रम चलेगा तब तक आप खड़ा रहेंगे, अगर बैठ गए तो हम सब बुरा कोई नहीं होगा, प्रोटोकॉल नहीं समझते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए मेरे ऊपर, ये सच्ची घटना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए कि विधायक अपराधी और उग्रवादी चरित्र के हैं। हम बोले कि एक भी मुकदमा मेरे ऊपर अपराधी मुकदमा नहीं है, एक भी उग्रवादी मुकदमा नहीं है, साबित कोई कर देगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, मैं जो भी लड़ाई लड़ा वो जनहित की लड़ाई को लड़ा है और मेरे ऊपर जो 14-14 मुकदमे चले हैं सब सरकारी काम में बाधा डालने का, रेल चक्का जाम का, रोड जाम का, या किसी को मुआवजा दिलाने के नाम पर ये केस मेरे ऊपर मुकदमा हुआ है, कोई चोरी बलात्कार का मुकदमा नहीं हुआ है। तो उस लड़ाई को मैंने इस अंजाम तक पहुंचाया जो हमारे लोगों को परेशान करना शुरू कर दिए, तब उनको मैं विधानसभा में विशेषाधिकार ला करके हनन का मामला ला करके उनको कटघरे में ला दिया और उनका घोटाला का पर्दाफाश किया, 300 करोड़ का घोटाला करके आए थे वो धनबाद में,
उसको मैंने पर्दाफाश के ऊपर FIR करवाया, उनको जेल भेजवाया, उनको बर्खास्त करवा दिया। उस लड़ाई को लड़ा मैंने, मान सम्मान का समझौता साथ मैंने नहीं किया है, लड़ाई को मैंने बखूबी लड़ा है। मास्टर साहब बोले एक बार कि हम शिक्षा पर बड़ा ध्यान देते हैं, आप ऐसा करें कि स्कूल में जितने भी शिक्षक है सब तो आते हैं, पर एक दो एक्का दूका शिक्षिका जो है एक नहीं आती है। बोले छोड़िए मास्टर साहब, आप शिक्षा के इतना सुधार का ठेका क्यों लिए हैं? बोले नहीं नहीं, हम तो चाहते हैं कि बढ़िया से शिक्षा व्यवस्था हो, ये हम सिर्फ लेटर लिखवा लिए। मास्टर साहब प्रतिनियोजित शिक्षा को प्रतिनियोजन रद्द करने के संदर्भ में, और लेटर लिखवा लिए, लेटर चल गया पूरे पलामू के जो प्रतिनियोजित शिक्षक थे सबका प्रतिनियोजन रद्द हो गया, जो डिप्टेशन में रहते थे। अब रद्द हो गया तो शिक्षिका खार खाए बैठी थी, 8 लोग पर जो है सेक्सुअल हरासमेंट का मुकदमा कर दी, सबसे पहले इन्हीं से शुरू की। प्रधानाध्यापक हमारे हैं श्री रामेश्वर मेहता जी, जो विधायक जी के रिश्तेदार लगते हैं, उनका निगाह मेरे ऊपर बुरा था, बेचारे ये 65-60 साल की उम्र के हैं, और हम आदमी खूब पोस्ट करने लगा, खूब पोस्ट करने लगा, तो ये हमेशा हमको हाजिरी काट देते थे। देखिए कैसे केस हुआ, तो ये हाजिरी जब काट देते थे तो इनके पास जब हम शिकायत किए, कहते टाइम से आते हैं, हाजिरी क्यों काटते हैं? तो बोले कि विधायक जी से आते अकेले में मिलिए, मुझे भी वहाँ शक लगा। तब हम शिक्षक नेता अरविंद सिंह के पास गए, भी मेरे ऊपर बुरा निगाह डाले, तब हम आवेदन दिए ट्रांसफर कराने के लिए, तो वहाँ कलेक्टर श्री महेंद्र सिंह जी मेरे ऊपर बुरा निगाह रखते थे, वो भी जब उसे अपना करेंट स्टेटस तो भी हमारे ऊपर बुरा निगाह रखे, तो फिर एक महेंद्र जी भी जो है हमको अपशब्द बोले और मेरे ऊपर बुरा निगाह रखे। फिर उसके बाद जो है एक और शिक्षक नेता हैं अरविंद सिंह जी, उनके पास जब हम गए, तो इस तरह का केस बनाया गया एक षडयंत्र के तहत चुनाव के समय में। यही बात था मास्टर साहब, ये बात था ना। तो देखिए लड़ने वालों को कैसे षडयंत्र में फंसाया जाता है। आज तक मैं लड़ाई लड़ा, कभी समझौता नहीं किया, मुझे 2 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन मैं लड़ाई बंद नहीं किया। तो इस तरह का मामला अनवरत आते रहता है, कभी हम अपना लड़ाई बंद नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि जो बाबा साहब ने अधिकार हमको दिया है, जिस लड़ाई को आगे जगदेव प्रसाद ने बढ़ाया है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और सभी लोग तन मन धन से लग करके इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं। ये मुगालते में नहीं रहे कि कोई मेरा खेवन हार आएगा और उस कारमा को वहां पहुंचा करके हमको हक और अधिकार दिलाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। साथियों आप सबों से मैं निवेदन करता हूं, आज बहुत से लोग आए होंगे जिनके अंदर जिज्ञासा होगा कि चलो वहां पर कौन कौन मंच पर भाषण देते हैं, मंच पर भाषण भी सुनेंगे, अपना हाजिरी भी बना लेंगे और बढ़िया भोजन भी बना होगा, उसको करके हम लोग सीधे घर चल जाए, कल से चर्चा बंद हो जाएगा, आज के बाद ये चर्चा बंद हो जाएगा, कल कोई चौक चौराहे पर चर्चा नहीं करेगा कि बाबा साहब ने क्या अधिकार दिया था और जगदेव प्रसाद ने लड़ाई लड़कर के शहादत क्यों दिया, इसकी चर्चा नहीं होगी। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आज जो भी यहां जिन वक्ताओं ने अपना ओजस्वी भाषण, जो उनके कार्यों पर जो प्रकाश डाला है, उनके जो आदर्शों पर प्रकाश डाला है, उसको जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है और चर्चा करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं ये शब्द कहते हुए अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि ये जगदेव बाबू कितने समर्पित और धूल के पक्के थे, जिनके लिए मुझे लिखना पड़ा, मातृभूमि का मान लिए, मातृभूमि का मान लिए मैंने वीर जगदेव को देखा है, मातृभूमि का मान लिए मैंने वीर जगदेव को देखा है, हर सेनानी ने इस जग में वीर जगदेव को देखा है। नमन आपको मेरा जगदेव, नमन आपको मेरा जगदेव, मरकर अमर रहे हो आप, नमन आपको मेरा जगदेव, मर कर रहे अमर रहे हो आप, वज्रघात करते और वज्रघात करते अरिने कुपित शोषक को देखा है, वज्रघात करते अरिने कुपित शोषक को देखा है, करबत प्रणाम तुम्हें मेरा अद्भुत वीर रहे हो आप, करबत प्रणाम तुम्हें मेरा अद्भुत वीर रहे हो आप, शांत हृदय में अग्नि लिए, शांत हृदय में अग्नि लिए वीर जगदेव को देखा है, शांत हृदय में अग्नि लिए वीर जगदेव को देखा है, देश प्रेम में प्राण दिए, देश प्रेम में प्राण दिए वीर जगदेव को देखा है, देश प्रेम में प्राण दिए अनुपम ख्याति है आपकी, हम सोनू पर अनुपम ख्याति है आपकी, अनुपम ख्याति है आपकी। साथियों मैं ये कहते हुए कि हम सोनू पर चलने वाले, हम सोलों पर चलने वाले डरते ना अंगारों से, हम सोलों पर चलने वाले डरते ना अंगारों से,
अब गुंजेगी सारी धरती, अब गुंजेगी सारी धरती जय जगदेव के नारों से, अब गुंजेगी सारी धरती जय जगदेव के नारे से, जय जगदेव के नारे से। साथियों, मैं ये कहते हुए अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, सुरमा नहीं विचलित होते, सुरमा नहीं विचलित होते एक क्षण नहीं धीरज खोते, सुरमा नहीं विचलित होते एक क्षण नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। सुरमा नहीं विचलित होते एक क्षण नहीं धीरज खोते। साथियों, आप सबों से मैं निवेदन करते हुए कि आप लोग जाएंगे और आज के बाद पूरे समाज के बीच में बैठ करके जगदेव बाबू के बारे में जो ख्याति उनकी है, जो उनकी विशेषता है, जो उन्होंने संघर्ष किया है, जो बलिदान दिया है, इसको आप उनके बीच में प्रस्तुत करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ ये संकल्प भी लेकर के जाएंगे कि जगदेव बाबू को शहीद का दर्जा दिलाना है। आज तक वो शहीद नहीं है, हमारे आत्मा हमारे हृदय के अंदर वो शहीद है, हमारे जहन के अंदर वो शहीद है, लेकिन सरकारी फाइल में वो शहीद नहीं है। इनको शहीद का दर्जा दिलाना और भारत रत्न दिलाना हम सबकी जवाबदेही और जिम्मेवारी बनती है। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी हो सकती है जब हम उनको शहीद का दर्जा दिलाए और उनको भारत रत्न दिलाने का काम करें। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने मुझे सुना और लोगों को भी सुना है, सुन करके आत्मसात भी किया है और उसको जाकर के आप समाज के बीच में चित्रण भी करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।